हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल, आप सभी को न्यू ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, अभी आज है 6 नवंबर और अभी मैं और उमा शंकर जा रहे हैं झूमरा स्थान। आज हम लोग वहाँ पे पूजा करने जा रहे हैं सिर्फ, और अभी घर से निकल रहे हैं। मतलब अभी 5 बजे आए, वो आ रहा है मेरे घर लेने। उसके बाद हम लोग दोनों साथ में फिर जाएंगे यहाँ से। तो अभी चलते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अभी उमा शंकर आ गया है और अभी देख सकते हैं हम दोनों निकल गए हैं और दोनों हेलमेट लगा के निकल गए हैं। तो गाइस, अभी देख सकते हैं कि कितना अंधेरा ही है। अभी 5 सुबह के 5:10 हो रहे हैं और अभी अंधेरा ही है। ये आधा उत्तरवादी यहाँ पे मतलब सो गाइस, अभी सुबह सुबह का टाइम हो चुका है और मैं दिगरिया पहाड़ हम दोनों पहुंच चुके हैं। दिगरिया पहाड़ है, उसी के नीचे से हम लोग 20 एक रोड पार हुआ है, उसी में क्रॉस कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं और करीब 1 घंटा लगेगा पहुंचने में झूमरा स्थान। सो गाइस, अभी हम लोग बॉर्डर के पास आ गए। झारखंड बिहार बॉर्डर है और इस पार अभी झारखंड में है और इस बॉर्डर के इस पार अब बिहार जमुई जिला में हम लोग एंटर हो चुके हैं। अब देखते हैं कितना देर अब यहाँ से लगता है जाने में। तो अभी ये है बटिया जंगल। बटिया जंगल हम लोग एंटर हो चुके हैं और कुछ ही देर में अब हम लोग झूमराज स्थान पहुंच भी जाएंगे। अब मतलब बहुत करीब है और मतलब बटिया जंगल काफ़ी अभी घना जंगल है जो कि जमुई जिला में पड़ता है बिहार के। और अभी इसी जंगल के बीचों बीच मतलब रोड निकाला गया है और काफ़ी तीखा तीखा मोड़ भी है इसमें। तो मतलब थोड़ा संभल के इसमें चलना है तो बढ़िया से चलिएगा, क्योंकि बहुत सारा एक्सीडेंट वगैरह भी होता है इस मोड़ में इस तरह का। तो और अभी काफ़ी इधर घना जंगल है फ्रेंड्स और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है इधर। और अब कुछ ही देर बचा है, इसी पहाड़ी में ही झूमराज स्थान भी है, उसमें वो भी पहाड़ में ही है। तो अभी कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे झूमराज स्थान। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए झूमराज भवन, झूमराज बाबा मंदिर यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी यहाँ पे हम लोग आज उस रोड में आ गए हैं झूमराज बाबा मंदिर के। यहाँ से अभी 1 किलोमीटर है करीब मंदिर। अभी तो भीड़ यहाँ नहीं है लग रहा है, यहाँ पे किसी किसी दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाता है, बहुत ज़्यादा, जबकि यहाँ पे पार्किंग करने का भी जगह नहीं होता है। और अभी और भी आगे काफ़ी सब खिलौना बनता है, उधर भी मैं लेके जाऊंगा। पूजा जो होता है जो होली का होता है, इसी पूजा के खाना पीना होता है, उधर भी मंदिर है यहाँ पे। सो गाइस, अभी हम लोग झूमरा स्थान पहुंच चुके हैं और अभी देख सकते हैं उमा शंकर को, जो आप लोग देखे होंगे दिल्ली में इसको। और अभी अभी हम लोग बिहार में है जमुई जिला में। तो अभी हम लोग ले लिए लोटा पूजा करने आए, इसमें जल ले लेंगे, इसमें अभी नदी में पैर हाथ धो लेंगे, उसके बाद जल ले लेंगे, उसके बाद जाएंगे झूमरा स्थान, मतलब झूमरा बाबा को पूजा करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे और कुछ देखेंगे तो आप लोग को भी दिखा देंगे। तो अभी जा रहे हैं नदी, नदी में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर नदी है एक जो कि उसी में सब कोई नहाते हैं और इधर पीछे दंड भी दे रहे हैं, देख सकते हैं दंडवत दे रहे हैं। मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। और अभी भी सूर्य उदय हो गया है फ्रेंड्स, लेकिन उतना धूप नहीं हुआ है और हम लोग यहाँ पहुँच गए। अभी 6:30 बजे है, 1.5 घंटा करीब में हम लोग वहाँ से घर से यहाँ तक आ गए। सो गाइस, अभी देख सकते हैं ये पुल है, एक ये सड़क है और हम दोनों को काफ़ी ठंडा लग रहा है क्योंकि अभी गाड़ी से आए तो मतलब ज़्यादा ठंडा लग रहा था। और इधर यहाँ पर नदी में भी सोचे थे कि नहाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहाते तो और ज़्यादा ठंडा लगता है क्योंकि नदी का पानी ऐसे ही ठंडा रहता है, ठंडा ही। और देख सकते इधर नदी है और यहीं पे हम लोग जल लेंगे और जाएंगे पूजा करने, पैर हाथ धो लेंगे यहीं पर। सभी हम लोग दलिया ले लिए हैं, इसमें हम लोग प्रसाद भी ले लिए हैं इधर उमा शंकर।
और अभी यहाँ पे झमरा जो आवा है तो पूजा करेंगे। अभी खाली खाली है, घंटे हो जाओ वहाँ से। चलिए पूजा करते हैं। जय बाबा झमराज। सो फ्रेंड्स, ये है झमराज बाबा मंदिर और अभी हम लोग पूजा पाठ कर लिए हैं, उसके बाद अब यहाँ से निकलेंगे और अब यहाँ से जा रहे हैं, अब निकलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं कुछ खा पी लेंगे यहाँ पे, नहीं तो फिर आगे जाके खाएंगे। और तो पूजा पाठ भी कंप्लीट हो गया है, आ सकते हैं पूजा करने फ्रेंड्स। और बहुत धार्मिक स्थल है और काफ़ी अच्छा शांत स्वभाव का है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ देर के बाद यहाँ बलि होगा, उधर बलि पड़ता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बलि पड़ता है। सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ से झमरा स्थान से निकल चुके हैं और अभी सड़क पे चल रहे हैं और ये देखिए। सो गाइस, देख सकते हैं ये है बटिया जंगल और यहाँ पे हर जगह पहाड़ी पहाड़ है, काट के यहाँ पे सड़क बनाया गया है, पहाड़ी पहाड़ है और बीच में ही सड़क काट के बनाया गया है। राजस्थान यहाँ पूजा करने में तो काफ़ी धार्मिक स्थल है और यहाँ पे शादी भी है, बोला है कि मांगने से पूरा जरूर हो जाता है। सो गाइस, अभी हम दीदी घर में पहुँच चुका हूँ। मेरा दीदी घर रास्ते में ही मिलता है बासुकी टाउन में और यहीं पे ही मेरा छोटा भांजा है, तो अभी यहीं पे आए हैं, रुक गए हैं थोड़ा। दीदी बोल रही है खाना ना खा लें, तो अभी यहाँ पे नाश्ता सा खाना खा लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे घर जाएंगे। तो अभी माँ शंकर देखिए मोबाइल चला रहा है, कहाँ ही बिजी रहता है पता नहीं कुछ गड़बड़ है कुछ तो गड़बड़ है कुछ लग रहा है। चलते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ से खाना खा के निकलेंगे यहाँ से। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग वहाँ दीदीगढ़ से निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं, अभी हम लोग डिसाइड किए कि पुनासी डैम चलेंगे क्योंकि रास्ते भी मिलता है, थोड़ी पानन होते हुए मतलब पुनासी डैम की तरफ से जाएंगे और वहाँ भी थोड़ा देख लेंगे, घूम लेंगे क्योंकि उमा शंकर फिर दिल्ली चल जाएगा तो ये घूम नहीं पाएगा, तो बोला कि चलो घूम लेते हैं दिल्ली चलते हैं पुनासी डैम। और आप लोग दिखाते हैं पुनासी डैम में क्या है कैसा है, वो देवघर जिला में ही पड़ता है पुनासी डैम, ये में चलते हैं। अभी हम लोग पुनासी डैम पहुंच चुके हैं और अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूं पुनासी डैम का गेट, क्योंकि अभी यहां पर काम लग रहा है, चल ही रहा है। और ये है सड़क, चलते हैं आगे। अभी वहां से घर ड्राइव कर रहा है। See the horizon.
सो फ्रेंड्स अभी पुनासी डैम पहुंच चुके हैं और ये मेरा पीछे में है पुनासी डैम, और अभी जा रहे हैं हम लोग नीचे। उमा शंकर आगे भी चला गया है तो जा रहे हैं, अभी हम बाइक पीछे में पार्क कर दिए इधर इधर, और अभी जा रहे हैं पैदल नीचे में। दिखाता हूँ मैं, पत्थर है पूरा, हम देख सकते हैं कितना पत्थर है, पूरा पत्थर ही मतलब बिछा गया है ऐसे, तो पूरा ढाल मतलब कर दिया गया है पानी तक। और देखिए उमा शंकर वहाँ भी डांस कर रहा है वहाँ जाके, बहुत ज़्यादा काफ़ी पानी है इसमें। और अभी कुछ लोग यहाँ पे मछली वगैरह मार रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, पता नहीं पकड़ता मछली शायद है इसमें, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा मछली है, पानी में मछली रहता ही है, देखते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पे पुनासी डैम में घूम फिर लिए हैं, और मछली यहाँ पे जो बजा रहा था वो सबको भी देख लिए। उसके बाद दो मछली भी पकड़ा गया था यहाँ पे, तो इसका भी वीडियो बनाए। और अभी हम निकलेंगे हम लोग घर, और घर चलेंगे, और काफ़ी धूप हो गया, पानी प्यास भी लग गया है, 12:30 बज गया फ्रेंड्स। आप यहाँ से अब डायरेक्ट घर जाना है, कहीं नहीं जाना है। सो फ्रेंड्स हम लोग घर तो कल ही आ गए थे, उसके बाद काफ़ी थक गए थे, आराम आराम किए, उसके बाद फिर आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स और जो उमा शंकर का टिकट भी कंफर्म हो गया, क्योंकि वो उसका 14 तारीख का वो फिर से जा रहा है दिल्ली। सो फ्रेंड्स इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।